रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए आज इस नज़ीर के तीसरे कलमकार की हैसियत से मैं चाहूँगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक, अपनी कहानी यहाँ पर पेश करें। अदारा नसरी अदब में ये मेरी दूसरी तख्लीक है। दीगर स्कूलों में जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, रिजवान रब्बानी सर को इस बात का इल्म है कि मैं सीरत की तकरीरें और दीगर अहम जो जनरल तकारीर रहा करती थी वो मैं हमेशा बच्चों को लिखा करता था, जो पूना, बॉम्बे और भिवंडी में पेश होती थी और इनाम याफ्ता रहा करती थी। मैं आज उसको गिना वो तकारीर, तो टोटल 68 तकारीर हैं मेरी। वो बहुत जल्द ही मंजर आम पर उसकी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये दूसरी मेरी तकलीफ, दूसरी कहानी है। उन्होंने दरख्त की मोहब्बत। किसी दरिया के किनारे एक हरा भरा जंगल था और उसके करीब ही मछेरों की बस्ती थी। वहाँ बहुत सारे दरख्त थे। उस बस्ती से कभी कभी एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा जंगल के एक बड़े ऊंचे दरख्त के नीचे खेलने आता था। बच्चे के आने से दरख्त बहुत खुश होता था। उसे बच्चे से प्यार हो गया था। वो दरख्त चाहता था कि बच्चा हर रोज़ आया करे और बहुत देर तक उसकी छाँव में खेलता रहे। जब बहार के मौसम में दरख्त फूलों से भर जाता और बच्चा उन फूलों का ताज बनाकर पहनता तो दरख्त का दिल मोहब्बत की मौजों में तैरने लगता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। बच्चा बड़ा होता गया। उसने दरख्त के पास आना कम कर दिया। अब दरख्त को उसका इंतज़ार रहने लगा और वो बच्चे के बगैर उदास रहने लगा। फिर एक दिन वो बच्चा, जो अब बड़ा हो चुका था, दरख्त के पास आया तो दरख्त उसे देखकर रोने लगा और पूछा कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करता हूँ। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, आओ मेरी शाखों को झूला बनाओ और झूलो। बच्चे ने कहा, बंद करो, ये बच्चों जैसी बातें। अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे झूलों पर झूलने की नहीं बल्कि पैसों की ज़रूरत है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? दरख्त ने उसकी ये बातें सुनी तो उसे ऐसा लगा कि उसका दिल निकाल कर किसी बड़े पत्थर से कुचल दिया हो। दरख्त ने दुखी दिल से कहा, प्यारे बच्चे, ये बीमारी तो इंसानों में ही हुआ करती है। अगर हम दरख्तों को भी पैसों का मर्ज लग गया तो फिर हम लोगों को छाँव नहीं दे पाएंगे बल्कि उनके लिए अज़ियत का बाइस बन जाएंगे। मेरे पास फजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है, बच्चे ने बेजारी से कहा। बताओ कि तुम मुझे पैसे दे सकते हो या नहीं? दरख्त ने उदासी से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर ये फल हैं, इन्हें तोड़कर ले जाओ और बाज़ार में बेच दो, शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएं। ये सुनना था कि बच्चे ने दरख्त के सारे फल तोड़ डाले। एक अरसा बाद बच्चा फिर दरख्त के पास आया और कहा, मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे घर चाहिए, क्या तुम मेरे लिए मकान का बंदोबस्त कर सकते हो? दरख्त खामोश रहा। बच्चे ने फिर कहा, मुझे घर चाहिए। दरख्त ने कहा, मेरी शाखों को काट लो, शायद तुम्हारा घर बन जाए। ये शाखों और तनों को काट लेता है। फिर एक लंबा अरसा गुजर गया। वो बच्चा, जो एक आदमी और खुद कई बच्चों का बाप था, दरख्त को बिल्कुल ही भुला बैठा। एक दिन एक मुसाफिर उस दरख्त की जड़ों के पास से गुज़रता है तो दरख्त मुसाफिर से दरख्वास्त करता है कि मुझे उस बच्चे की खबर ला दो, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, इसलिए अब वो मेरे पास नहीं आएगा। मुसाफिर ने कहा, जब तुम्हें पता है कि वो इतना खुदगर्ज है तो तुम ऐसे शख्स से मिलने की ख्वाहिश में तड़प क्यों रहे हो? दरख्त ने सर्द आ भर कर कहा, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है, लेकिन इस बच्चे को नहीं आना था, वो नहीं आया। आखिर एक रोज़ मोहब्बत भरा दिल रखने वाला दरख्त बच्चे की राह तकते तकते मर गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर अपनी तकलीफ यहाँ पर पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त।
मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर ने एक कहानी यहाँ पर पेश की है जो जिसके अंदर जो है बच्चों के ही दिलचस्पी के जो है उसको मद्देनज़र रखा गया है। ये बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की आ चुकी हैं कि दरख्त जो है हमेशा जो दूसरों के काम आता है लेकिन इंसान जो है खुदगर्ज साबित होता है और वो जो है वो उसके जो अपने साथ एहसान किया उसको भुला बैठता है। उसी नज़रिए को उन्होंने यहाँ पर पेश किया है। एक अच्छी कहानी है क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी ये दूसरी कहानी मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ तो फिर भी जो है उस लिहाज से कहानी मुझे मुनासिब लगी है। लेकिन आप जो यहाँ पर जो हम बोलने में तो इस्तेमाल करते हैं वो जाने लगता है, वो तोड़ने लगता है, वो उठाने लगता है, तो ये हम बोलने में कहानी जब बोलते हैं तो ये इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहाँ कहानी के अंदर लिख रहे हैं और लिख कर उसको पढ़ रहे हैं तो ये जो ऐसे जुमले नहीं लिखना चाहिए, मेरी ऐसी राय है। बहरहाल कहानी ठीक है, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूँ। अपनी शायद पहली कहानी पेश की, दूसरी तकलीफ पहली कहानी। कहानी मुझे इस एतबार से पसंद आई कि कहानी में छोटे छोटे जुमले हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ों को बरतने से गुरेज किया गया है। कुछ ये और वो के काफ़ी आपके यहाँ से दुश्वारियाँ पाई गई। एक मशवरा यह कि बच्चे का आप नाम रख दीजिए क्योंकि जहाँ बच्चा शादी का तकाजा कर रहा है, घर बनाने का तस्करा कर रहा है, काफ़ी देर के बाद फिर ये आता है कि वो बच्चा जो बड़ा हो चुका है। अगर आप शुरुआत से ही नाम के साथ चलते तो शायद आपको आगे अपनी कहानी में वजाहत की ज़रूरत पेश नहीं है, एक तो पहली चीज़। और किसी दरिया के किनारे, एक दरिया के किनारे भी आप कर सकते हैं, किसी दरिया के किनारे एक तालाब था। अगर आप ऐसे शुरू करते एक दरिया के किनारे एक तालाब था। बहर कैफ आपने जो कहानी बयान की वो मुझे पसंद आई। अब जैसे जब ये आतिफ शाबान साहब ने तस्करा किया इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी लिखी गई हैं, आप भी बेशक लिखे कहानियाँ लेकिन उसमें मुद्रत हो, कुछ नयापन हो, मौजूद पामाल कभी नहीं होते लेकिन उसको बरतने का जो अंदाज़ होता है वो हमेशा हर फनकार का जो है तो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसकी तकलीफ से मुतासिर होते हैं। तो यही कुछ ऐसा का मशवरा है कि आप कहानियाँ लिखते रहें और यहाँ पर पेश करते रहें, और कहानियाँ लिखने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर बच्चों के अदब पर लिखने वाले पहले से मौजूद है, डॉक्टर इकबाल बल्की सर, इब्न आदम साहब है, अब्दुल मजीद मास्टर है, शबंसानी है, उन लोगों को भी आप किसी को भी आप जिसे मुनासिब समझो उसको बता दें ताकि आप एक पक्की तहरीर लेकर सामने आए तो उसको ज़्यादा दाद मिल सके। बहर कैफ आपने एक अच्छी कहानी यहाँ पर पेश की, मुझे कहानी पसंद आई, आपको मेरी मुबारकबाद पेश की। क्योंकि मुस्तफ़ा बरकती सर ने अदब अतफाल पर एक तकलीफ पेश की है इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अदब अतफाल पर पेश की जाने वाली कहानी पर उनको मुबारकबाद पेश करूं। मुझे उन लोगों से उनसियत महसूस होती है जो लोग बच्चों के अदब की तरफ मुंतफित होते हैं और बच्चों के लिए कुछ काम करके दिखाते हैं। अगर कोई और बरकती सर की तहरीर पर कुछ बोलना चाहे तो उसको भी इजाज़त है। बरकती सर की तहरीर वाकई अच्छी है। जब कहानी शुरू होती है तो यानी इस किस्म की कहानियाँ यानी जो सर ने कहा कि है लिखी गई हैं आती रही हैं, बस वही वो जो के इमरान सर ने कहा कि ये और वो थोड़ा सा अगर वो बच्चे का नाम रख देते और वो ये उसमें थोड़ा सा जो तजस्सुस का मादा इन्हें भरना चाहिए था मेरे ख़्याल से, वो जो मुसाफिर आखिर में आता है तो उसको यानी डायरेक्ट वो दरख्त से बात हम कलाम मत करो, थोड़ा सा उसको चौंकने दो कि ये आवाज़ कैसी है, यहाँ किसी के रोने की, किसी के सिसकने की आवाज़ जो सुनता है मुसाफिर, तो वो घूमता इधर उधर तलाश करता है, वो ये थोड़ा सा वहाँ पर एक ड्रामाई कैफियत और तजस्सुस जो है वो कहानी के टेम्पो को थोड़ा सा बढ़ा देगा। कि वो अगर ऐसे थोड़ा सा किया जाए फिर वो उससे देखता है कि ये जड़ जो है उसमें से वो आवाज़ आ रही है, करीब जाता है, पूछता है कौन हो क्या हो, तो वो अपनी कहानी बताता है कि यार मैं था यहाँ बहुत छतनार था, मेरी शाखें दूर तक फैली हुई थी, मैंने एक अपनी सारी चीज़ उस पर निछावर कर दी लेकिन वो अब यहाँ आने को मैंने आना गवारा नहीं करता, इस किस्म का जो तो वो एक कहानी के अंदर खुद ब खुद एक यहाँ दिलचस्पी पैदा हो जाती है और जो यानी कहानी का जो फ़ज़ा बनती यानी उसका जो समा बनता वो कहानी के माहौल को अपने अंदर समेट लेता, तो इस तरीके से वो कहानी खुद ब खुद ऊपर जाती। कोई बात नहीं सर,
ये आहिस्ता आहिस्ता यकीनन इंशाल्लाह लिखते लिखते हम लोग भी जब शुरू किए थे बहुत सुनते थे, उठापटक हुई, बहुत उल्टे सीधे जुमले। डॉक्टर मसूद फैजी साहब बैठे हुए हैं, ये इनके भी तबसरे हम लोग सुनते थे। होता है, ऐसा नहीं कि आज हम लोग यानी बहुत पुख्ता हो गए, हम आज भी हम लोग गलतियाँ करते हैं, होता है, लेकिन आप लिखते रहें ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास मौजूआत हैं, आपके पास कलम है, ज़बान है, तो यकीनन कल आप अच्छी कहानियाँ पेश करेंगे और एक मुकाम बना लेंगे। लेकिन ये है कि आप संजीदगी से एक फील्ड पर काम करें, यानी ये नहीं कि थोड़े दिन के बाद आपको कुछ और आ जाए तो वो उधर चले जाएं। बस यही कुछ चंद बातें थी, बाकी शुक्रिया। डॉक्टर इकबाल वर्गी साहब अपना तबसरा यहाँ पर पेश कर रहे थे। आइए आज की इस नशिस्त के आखिरी कलमकार की हैसियत से हमारे सामने मौजूद हैं सादिक असद साहब। मैं आपको यहाँ माइक पर मधु करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ यहाँ पर पिच करें। सादिक असद साहब, बचपन, पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।